नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या बनाने वाले हैं, और अगर नहीं पता चला है तो वीडियो पर बने रहो, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम एक ट्राईपोड शोल्डरिंग थर्ड हैंड बनाएंगे, मतलब हेल्पिंग हैंड, ठीक है ना। तो बस यार वीडियो को जल्दी जल्दी एक लाइक मार दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वो लिया है, एक स्पिनर लिया है, फिजिट स्पिनर छोटा ही लिया, प्लास्टिक वाला लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं लिया। तो देख सकते हैं इसका मैंने दोनों ऊपर नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं। और इसका जो पीछे वाला बैक साइड है ये थोड़ा कर्व है, तो इसे हमें सैंड पेपर से घिसने के बाद यहाँ पे मुझे इसे बराबर करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। हेल्पिंग हैंड बहुत तरीके से बना सकते हैं, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, आप अपने तरीके से बनाना। तो देख सकते हैं आपके सामने इसे मैंने फ्लैट कर लिया, बराबर कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राईपोड लूँगा, पुराना मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो यूज़ कर लूँ इसका। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर का इसका टिप है जहाँ पे मोबाइल स्टैंड लगता था वो ख़राब हो गया, टूट गया था। तो मैं यहाँ पे जो फिजिक्स स्पिनर का नीचे वाला जो पार्ट है मैं यहाँ ट्राईपोड के ऊपर चिपका दूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दूँगा और इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा और डाल दूँगा इसके ऊपर ताकि ये इतना मजबूत हो जाए कि अगर मैं सोल्डरिंग वगैरह करते वक्त ये मैं इधर उधर हिले डुले नहीं। तो देख सकते हैं फाइनली ये इतना तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो स्पिनर है हमने नीचे से इसको फिक्स कर दिया है, तो हमारा लगभग लगभग स्टेप पूरा हो गया है। उसके बाद बताता हूँ आपको आगे क्या करना है, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और ये ट्राईपोड सोल्डरिंग हेल्पिंग हैंड कैसा लगा, अगर पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक मार देना। उसके बाद ये हमें ज़रूरत पड़ेगी दो चिमटी, तो मैं दो बड़ी दो छोटी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही है, नहीं तो मैं बड़ी वाली ही लगाता। आपके पास जो है जैसी है वो लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को मार्केट में ये मेरे को 10 रुपये की दो मिली है, बड़ी वाली, और छोटी वाली 10 रुपये की चार। तो यहाँ पे फेविक्विक की मदद से ये जो चारों कोने हैं तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगा। यहाँ पे सूखने के लिए थोड़ा टाइम दे देना इसको ताकि ये अच्छे से सूख जाए, चिपक सके, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम इसी पर ही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी लगा देना है। तो यहाँ पर अच्छे से फेविक्विक लगाना, कंजूसी बिल्कुल मत करना, कंजूसी करोगे तो फिर खामखाई बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो मैंने चिपका दिए हैं, ठीक है। उसी तरह हमें सारे चिपका लेने, ठीक है ना। ये वाला भी मैं यहाँ पे चिपका लूँगा इसको अच्छे से। मुझे यार कमेंट करके बताओ कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और अच्छा लगा तो यार मुझे कमेंट करके और बताओगे मैं और कौन से नए प्रोजेक्ट बनाऊँ, ठीक है ना। देख सकते हैं यार जो चैनल पे नए हैं, जो नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ फिक्स करेंगे जो ट्राईपोड मेरा ख़राब वाला था। वैसे ये ट्राईपोड मैं 100 रुपये का लेके आया था पर ये ख़राब हो गया पूरी तरह, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो इसका इस्तेमाल कर ही लूँ। देख सकते हैं फाइनली मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, नहीं टेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाना, ये है हीट स्लीव है इसे, ठीक है ना, हीट स्लीव है ये। तो मैंने चार डाल दिए, मैं बताता हूँ कि कहाँ ये लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे के साइड जो फिक्स कर दूँगा ताकि हम जब भी कोई सोल्डरिंग वगैरह करें सर्किट में तो शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, क्योंकि ये भी लोहे का ही है, स्टील का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चारों साइड में लगा दूँगा यहाँ पर, इसमें मैं वाइट वाला लगा रहा हूँ ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक, और इसमें भी ट्रांसपेरेंट वाला लगा रहा हूँ। तो ये हमने लगा लिया है। उसके बाद मैं माचिस से इसको फिक्स कर लूँगा आराम से अच्छे से, चारों साइड यहाँ पे आराम से फिक्स कर लूँगा। यार कमेंट करके बताओ मैं और कौन से नए प्रोजेक्ट बनाऊँ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करके बताओ। जितने ज़्यादा कमेंट होंगी उतनी जल्दी मैं प्रोजेक्ट बना पाऊँगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं फाइनली अपना जो ट्राईपोड हेल्पिंग हैंड है वो तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि वज़न कितना सह सकता है। देखो आपके सामने मोबाइल लटकाया है, यहाँ पे एक और मोबाइल लटका दे रहा हूँ मैं, ये दूसरी साइड, ठीक है ना। उसके बाद आप छोटे मोटे कंपोनेंट वगैरह आप आराम से लगा सकते हैं, एलईडी वगैरह, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। मैं आपको एक सोल्डरिंग करके भी दिखा देता हूँ, ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो मैं दूसरी एलईडी ले लूँगा, मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक के ऊपर एक फिक्स कर लूँगा अच्छे से। ये देख सकते हैं आपके सामने सोल्डरिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को। तो यार मेरे तो कुछ ना कुछ तो ये काम आ ही गया। आप अपने घर पे आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक मार देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी मेहनत को
देखते हो यार, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है ना, तो आपके सामने मैंने कैपेसिटर ट्रांजिस्टर वगैरह फिक्स कर लिया है, आप इसको चारों साइड घुमा भी सकते हैं। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ध्यान रखना, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, गुड नाइट।